वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन रेट्रोवायरस यानी HIV। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? HIV के ऊपर, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के ऊपर, यानी एक ऐसा वायरस तो इम्यूनो डिफेंस को क्या है, इफेक्ट करता है, यानी क्या इम्यूनिटी के ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? HIV के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके मतलब किस तरीके से वो डिजीज कॉज करता है, क्या क्या उसके डिजीज के साइन एंड सिम्टम है, और कैसे वो इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, उसको लैब यानी उसकी लैब डायग्नोसिस क्या है, किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेट्रोवायरस यानी HIV। दीज आर आरएनए वायरस दैट बिलोंग टू फैमिली रेट्रोवायरी रेट्रोवायरिडी। ये क्या है? दीज आर आरएनए वायरस यानी क्या है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, यानी आरएनए होता है, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर, दैट बिलोंग टू फैमिली, यानी वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रेट्रोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ दिस फैमिली पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी ऑफ द आरएनए जीनोम इन होस्ट सेल। यानी मेंबर ऑफ दिस फैमिली पजेस, यानी इस फैमिली के मेंबर जो है रेट्रोवायरिडी की फैमिली के जो मेंबर है वो क्या रखते हैं, पजेस यानी रखते हैं, क्या रखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए की क्या कॉपी, आरएनए की कॉपी प्रिपेयर करता है इसके अंदर, वायरस के अंदर डीएनए के सिमिलर, यानी क्या आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए बना देता है, डीएनए की कॉपीज बना देता है अलग अलग। और फिर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी ऑफ द आरएनए जीनोम इन होस्ट सेल, यानी क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं इस फैमिली के मेंबर, एंजाइम विच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी, यानी जो क्या है डीएनए की कॉपी प्रिपेयर कर देते हैं ऑफ द आरएनए, यानी आरएनए से क्या है डीएनए की कॉपी प्रिपेयर कर देते हैं जीनोम इन द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस जो है इन रेट्रोवायरी फैमिली के अंदर या इन वायरसेस के अंदर वो क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है, एक स्पेशल लक्षण है इनका। तो शुरू से देखिए एक बार कि दीज आर आरएनए वायरस दैट बिलोंग टू फैमिली रेट्रोवायरी, यानी क्या ये आरएनए वायरस होते हैं, यानी इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल जो है न्यूक्लिक एसिड अंदर या फिर क्या न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर वो कैसा होता है, आरएनए होता है, और जो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रेट्रोवायरिडी से फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ दिस फैमिली पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम व्हिच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी ऑफ द आरएनए जीनोम इन होस्ट सेल, यानी क्या इस फैमिली के मेंबर कौन सा एंजाइम रखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं आरएनए के ऊपर, जो क्या है कि डीएनए की कॉपीज तैयार कर देता है आरएनए से, जिसके अंदर जीनोम के अंदर होस्ट सेल में, और इसी वजह से क्या है कि ये वायरस को डिटेक्ट करना या फिर क्या इसको कहीं करना डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या ये कॉपीज प्रिपेयर करता रहता है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक यानी स्पेसिफिक लक्षण है, स्पेसिफिक फीचर है इस वायरस का।
नेक्स्ट देखिए एचआईवी, तो एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन यानी मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी को डिफेंस करता है, इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है ऐसा वायरस है। देखिए एचआईवी द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी क्या है? तो एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस है। तो क्या कोज करता है? यानी एड्स कोज करता है। एड्स नाम की डिजीज क्या है? कोज करता है, उसका पॉजिटिव एजेंट है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम यानी इम्यूनिटी की कमी है इस तरीके से ह्यूमन के अंदर। और इम्यूनिटी की कमी की वजह से अलग अलग डिजीज जो हो जाती है उस कंडीशन को अपन एचआईवी की जो लास्ट फेज होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट द सिंड्रोम was first observed in 1981 and isolated in 1983. यानी ये जो सिंड्रोम है इसको कब डिस्कवर किया था, कब ऑब्जर्व किया था? तो 1981 में ऑब्जर्व किया था। और आइसोलेट कब किया इसको, अलग से खोज कब की गई थी? तो 1983 के अंदर। नेक्स्ट देखिए एच आई वी इज द मेंबर ऑफ लैटिन वायरस जेन्स ऑफ द फैमिली रेट्रोवर्टाई। यानी एच आई वी कौन सी फैमिली का मेंबर है, कौन से जीन से बिलोंग करता है? लैटिन वायरस जीन से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली क्या है? रेट्रोवायरिडी है। नेक्स्ट मेंबर ऑफ रेट्रोवायरिडी पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम व्हिच प्रिपेयर द डीएनए कॉपीज ऑफ आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस इन द होस्ट सेल। यानी क्या है, जो रेट्रोवायरिडी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो कौन सा एंजाइम रखते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं विच प्रिपेयर द डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए। यानी जो क्या है, आरएनए से डीएनए की कॉपी को तैयार कर देते हैं, यानी आरएनए से डीएनए प्रिपेयर कर देते हैं, डीएनए की कॉपी को बना देते हैं। इसमें जीनोम के अंदर, वायरस के जीनोम के अंदर, इन द होस्ट सेल और होस्ट सेल में यानी ह्यूमंस के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर जब वो वायरस एंट्री करता है तो उसके जो जीनोम है जेनेटिक मटीरियल है उसमें आरएनए से क्या प्रिपेयर हो जाती है? डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन दैट जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एच आई वी हैज बीन क्लासिफाइड एज एच आई वी फर्स्ट एंड एच आई वी सेकेंड। यानी जीनोम यानी जेनेटिक मटीरियल की ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जीनोम की कंपोजिशन या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एच आई वी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। यानी एच आई वी वायरस क्या है, दो अलग अलग वर्ग में क्लासीफाई किया गया है। यानी एक तो वायरस होता है एच आई वी फर्स्ट एंड दूसरा क्या होता है, एच आई वी सेकेंड होता है। शुरू से देखिए एक बार की एच आई वी द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। यानी ह्यूमन जो एच आई वी वायरस है वो कौन सी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है, तो वो एड्स का पॉजिटिव एजेंट है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी का डिजीज का क्या है, वो पॉजिटिव एजेंट है। यानी क्या है, वो डिजीज कौन सी कोज करता है एच आई वी, तो एड्स डिजीज कोज करता है। This syndrome was first observed in 1981 and isolated in 1983. And इस सिंड्रोम की खोज कब हुई थी, तो 1981 के अंदर खोज हुई थी। और इसको आइसोलेट कब किया गया, 1983 में, 1983 के अंदर। नेक्स्ट देखिए एच आई वी इज द मेंबर ऑफ लैटिन वायरस जीन ऑफ द फैमिली रेट्रोवायरिडी। यानी एच आई वी जो है कौन से जीन जीन से बिलोंग करता है, तो लैटिन वायरस जीन से बिलोंग करता है। और कौन सी फैमिली है इसकी, तो रेट्रोवायरिडी। मेंबर ऑफ दिस फैमिली या मेंबर ऑफ रेट्रोवायरिडी पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज। यानी आरएनए से क्या प्रिपेयर होता है, डायरेक्ट डीएनए। इस फैमिली के जो मेंबर है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं जो क्या है, आरएनए से डीएनए की कॉपी बना देते हैं जीनोम के अंदर, वायरस के जीनोम में। और वायरस का होता है होस्ट सेल के अंदर। और इसी जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एच आई वी को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एच आई वी फर्स्ट एंड एच आई वी सेकेंड।
की मॉर्फोल होती ऑफ एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की मॉर्फोल होती क्या है, वो किस तरीके का दिखता है, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी है। तो एचआईवी इज ए स्फेरिकल एनवलप्ड वायरस अबाउट 19 to 120 nm यानी नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी एचआईवी इज ए स्फेरिकल यानी क्या है, राउंडेड या फिर क्या है गोल, तो एक गोल या फिर एनवलप्ड यानी जिसके ऊपर क्या आउटर कवरिंग होती है, एनवलप क्या है प्रेजेंट होता है, भारी कोटिंग होती है और जिसका डायमीटर कितना होता है 90 से 120 nm होता है डायमीटर के अंदर। यानी एचआईवी क्या है एक गोल वायरस है जिसके ऊपर एनवलप प्रेजेंट होता है जिसका डायमीटर कितना होता है 90 से 120 nm इन डायमीटर। नेक्स्ट, इट कंटेन्स टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। इट कंटेन्स टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम यानी इट कंटेन्स यह रखता है टू यानी दो आइडेंटिकल कॉपीज यानी दो कॉपीज रखता है किसकी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम की। यानी एचआईवी वायरस के अंदर क्या है दो कॉपीज प्रेजेंट होती है किसकी, आरएनए जीनोम की, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इन एसोसिएशन विद वायरल आरएनए इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये जो कॉपीज होती है दो कॉपीज आरएनए जीनोम की उनके साथ क्या होता है, इन एसोसिएशन विद यानी उनके साथ क्या जुड़ा रहता है वायरल आरएनए के साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी एचआईवी वायरस के अंदर क्या है पहले तो दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कॉपीज प्रेजेंट होती है और दोनों ही कॉपीज के साथ आरएनए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा रहता है आरएनए के साथ। नेक्स्ट, द वायरस कोर इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और वायरस का जो कोर होता है यानी जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या है सराउंडेड घिरा रहता है किसके द्वारा, न्यूक्लियोकैप्सिड के द्वारा, क्योंकि वो न्यूक्लियस को क्या है कवर करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड बना किसका होता है तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, द वायरस कंटेन ए लाइपोप्रोटीन एनवलप। यानी वायरस क्या है एक लाइपोप्रोटीन का एनवलप रखता है यानी क्या है एक बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो किसका बना होता है लाइपोप्रोटीन का। तो द मेजर वायरस कोटेड एनवलप्ड लाइपोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक ऑन द सर्फेस एंड एंटरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स। यानी वायरस द मेजर वायरस कोटेड एनवलप यानी जो वायरस का बाहर का एनवलप होता है वो कोटेड रहता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी ग्लाइकोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक। यानी बाहर का जो एनवलप है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक प्रेजेंट रहते हैं, प्रोजेक्टिंग स्पाइक यानी कांटे जैसी संरचना ऑन द सर्फेस यानी बाहर की सर्फेस पे एंड एंकरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स। और क्या रहता है बाहर के एनवलप पे, एक तो क्या है प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स रहते हैं यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर और एंकरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स रहते हैं यानी पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। बाहर के एनवलप पे क्या हो गया, बाहर के एनवलप पे किसकी कोटिंग होती है तो प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स की और एंकरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स की, यानी जो क्या है होस्ट के अंदर एंट्री के लिए या फिर सेल के साथ एडहेसिवनेस के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो एक बार शुरू से देखिए, एचआईवी इज ए स्फेरिकल एनवलप्ड वायरस अबाउट 19 to 120 nm इन डायमीटर। यानी एचआईवी क्या है एक गोल और एनवलप्ड वायरस है जिसका डायमीटर कितना होता है 90 से 120 nm होता है। इट कंटेन्स टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम। ये क्या है दो कॉपीज रखता है किसकी, आरएनए जीनोम की, यानी दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इन एसोसिएशन विद वायरल आरएनए इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसमें वायरल आरएनए किससे जुड़ा रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ क्या है जुड़ा रहता है। द वायरस कोर इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियोकैप्सिड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और जो वायरस की कोर होती है यानी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है किसके द्वारा रहता है, न्यूक्लियोकैप्सिड के द्वारा घिरा रहता है। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड किसके द्वारा बना रहता है, प्रोटीन के द्वारा। द वायरस कंटेन ए लाइपोप्रोटीन एनवलप यानी वायरस के ऊपर क्या होता है फिर, यानी क्या सबसे पहले तो आरएनए हो गया जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल को कौन कवर करता है फिर न्यूक्लियोकैप्सिड, और न्यूक्लियोकैप्सिड को कौन कवर करता है, लाइपोप्रोटीन एनवलप कवर करता है। और लाइपोप्रोटीन एनवलप पे क्या होता है फिर देखिए, द मेजर वायरस कोटेड एनवलप यानी वायरस का जो एनवलप है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, ग्लाइकोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक यानी ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोजेक्टिंग स्पाइक की क्या है कोटिंग होती है ऑन द सर्फेस यानी सर्फेस के ऊपर एनवलप की बाहरी सर्फेस पे एंड एंकरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स। और क्या प्रेजेंट रहते हैं उसमें, ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले देखिए एचआईवी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोलाकार होती है।
ठीक है, उसके जो अंदर ही अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसमें दो आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कॉपीज होती है, दोनों के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और इन दोनों आरएनए को कौन घेरे रखता है? न्यूक्लियोकैप्सिड, जो किसका बना है? प्रोटीन का। और वायरस और ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड इसको कौन घेरे रहता है? इसको सराउंडेड कौन रहता है? लाइपोप्रोटीन एनवलप, यानी एक एनवलप प्रेजेंट रहता है। और एनवलप के ऊपर क्या स्पाइक्स की कोटिंग होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एचआईवी की, एचआईवी का जो वायरस उसका क्या है डायग्राम, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आप अंदर ही अंदर देख रहे हो दो सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, कॉपीज है किसके? एचआईवी के आरएनए की। आरएनए के ऊपर क्या है, दो ब्लू कलर की डॉट दिखाई गई है, यानी ग्रीन कलर की, हरे कलर की, वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और आरएनए, इन दोनों को जो ग्राउंडेड घेरे हुए है वो क्या है, क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियोकैप्सिड को फिर घेरे हुए जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिपिड लेयर बोलते हैं या फिर एनवलप बोलते हैं, ठीक है, एनवलप, या फिर क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फिर प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी होस्ट सेल प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स भी क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देख रहे हो न्यूक्लियोकैप्सिड कोर जो है उसको किस रूप में दिखाया गया है, यहाँ पे डायग्राम में P24 फोर एंटीजन के रूप में दिखाया गया है। और आउटर सेल जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर की तरफ जो कोर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? P18 बोलते हैं, P17 मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर क्या है, जो बाहर ही बाहर की तरफ ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स को, ठीक है। और जो एनवलप के ऊपर ट्रांस मेम्ब्रेन, उसकी बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स है उनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120 बोलते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 120 या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 24 या प्रोटीन 24 एंटीजन, यानी जो कोर का एंटीजन होता है, यानी जो न्यूक्लियोकैप्सिड में प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से क्या क्या चीजें होगी इसके स्ट्रक्चर में कि अंदर अंदर तो दो आरएनए, फिर क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, बाहर की तरफ न्यूक्लियोकैप्सिड यानी P24 कोर एंटीजन, फिर उसके बाद में क्या है लिपिड लेयर यानी लाइपोप्रोटीन के लेयर, फिर क्या है कि जो पेडिकल्स हो गए ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41, फिर उसके ऊपर क्या हो गया ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी क्या है प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स हो गए। ये क्या है उसकी स्ट्रक्चर है किसके एचआईवी वायरस की। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस शोवन बाय, यानी रेजिस्टेंस एचआईवी जो वायरस है वो रेजिस्टेंस यानी विरोध किसका शो करता है, यानी किसका विरोधी होता है, किसके प्रति वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो एचआईवी इस थर्मोलेवाइल यानी कि टेम्परेचर के प्रति वो लेवाइल होता है, टूट जाता है, बींग इनएक्टिवेटेड इन 10 मिनट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 10 मिनट के अंदर इनएक्टिवेट हो जाता है, एंड इन फ्यू सेकेंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है वो कुछ ही सेकंड में क्या है इनएक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, यानी किल हो जाता है। तो एचआईवी क्या होता है थर्मोलेवाइल होता है, यानी हीट के प्रति स्टेबल नहीं होता, वो क्या है 10 मिनट के अंदर क्या है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टूट जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है
सेकंड, कुछ ही सेकंड में टूट जाता है। नेक्स्ट, एचआईवी इज इनएक्टिवेटेड बाय ट्रीटमेंट विद 30% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 70% एथेनॉल, 0.5% लाइजोल, 3% एच क्लोर, 10% ब्लीच एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एचआईवी को अपन इनएक्टिवेट कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के साथ, यानी बाहर अगर वो प्रेजेंट हो तो उसको इन इन चीजों के साथ ट्रीट करके उसको क्या इनएक्टिवेट किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से सैनिटाइजर के रूप में काम में ले सकते हैं इन चीजों को। जैसे 35% आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, 70% एथेनॉल हो गया, या फिर 0% 5% लाइजोल हो गया, 3% H2O, 10% ब्लीच हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, ए 2% ब्यूटेनलिहाइड सॉल्यूशन इज यूज टू क्रिएट कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी जो कंटामिनेटेड हो जाते हैं लैब के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर एचआईवी के वायरस से, हो सकता है उनके ऊपर क्या है एचआईवी का वायरस हो, उसको क्या है 2% ब्यूटेनलिहाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करके अपन उसको डिसइंफेक्टेट कर सकते हैं यानी उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रीम लो पीएस यानी पीएस का जो लेवल लो करके अभी अपन क्या है उसको क्या है यानी एक जो पीएस की कितना वैल्यू 1% यानी अम्लीय यानी एसिडिक लेवल में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर क्या एक्सट्रीम हाई पीएस यानी क्या है बेसिक मीडियम में क्या है वायरस को फ्री कर सकते हैं इनएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी किसके 13-40 कैन भी इनएक्टिवेट द वायरस, यानी 13-14 की पीएस के ऊपर भी क्या है वायरस इनएक्टिवेट हो सकता है। एचआईवी शुरू से देखिए कि क्या है एचआईवी इज थर्मल लेवल यानी वो क्या टेम्परेचर के प्रति स्टेबल नहीं होता, फूट जाता है, बीइंग इनएक्टिवेटेड इन 10 मिनट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं अपन 60 डिग्री के टेम्परेचर में 10 मिनट में, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के 60 सेकेंड में क्या है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एचआईवी इज इनएक्टिवेटेड बाय ट्रीटमेंट विद 35% आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एचआईवी क्या इनएक्टिवेट हो सकता है किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे अपन एचआईवी का, तो 35% आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ अगर अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो भी वो हो जाएगा किल हो जाएगा, जैसे क्या 70% एथेनॉल के साथ भी अपन यूज में लेंगे सैनिटाइजर के रूप में तो भी वो इनएक्टिवेट हो सकता है, 0.5% लाइजोल या फिर 3% H2O2 या 20 को काम मिलेंगे तो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या 2% ब्यूटेन के हाइड सॉल्यूशन को भी काम में लेते हैं तो कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लाइंट कर लेते हैं, एक्सट्रीम लो पीएस और एक्सट्रीम हाई पीएस से वो क्या है इनएक्टिवेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एचआईवी का तो स्प्रेड होना फैलना अपन किस तरीके से रोकते हैं उसका ट्रांसमिशन जो है सॉरी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो फैलता किस तरीके से है, एक तो क्या हो गया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी यू क्या है सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन का मीडियम यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जाता होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन अगर अमाउंट बहुत होमोसेक्सुअल एज वेल हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिट हो सकता है या फिर पेरिनेटली ब्लड सर्कुलेशन वगैरह से भी
पेरिपेनिलेटरल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। वैसे भी स्प्रेड क्या तीन चीजों से होता है, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, पेरेंटल ट्रांसमिशन यानी ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से, और पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एच आई वी इन्फेक्ट ऑन एक्सप्रेसिंग एट द सरफेस एक्स फॉर एंटीजन विच इज द रिसेप्टर फॉर द वायरस, यानी एच आई वी इन्फेक्ट ऑन सेल, यानी क्या है सभी सेल्स को इन्फेक्ट करता है एक्सप्रेसिंग एट देयर सरफेस द सीटी फॉर एंटीजन, यानी वो सभी सेल्स को क्या है इफेक्ट करता है, इन सेल्स के ऊपर क्या है सीटी फॉर एंटीजन प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पे, जो क्या होता है विच इज द रिसेप्टर वायरस, यानी जो क्या सीटी फोर सेल क्या है रिसेप्टर होती है किसी वायरस के लिए किसी भी पार्टिकल के लिए, क्योंकि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करती है इम्यून बॉडी को, इसलिए क्या लेकिन एचआईवी वायरस क्या सबसे पहले सीटी फोर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इट इन्फेक्ट प्राइमरली द सीटी फोर लिम्फोसाइट, यानी सबसे पहले मुख्यतः किसको इन्फेक्ट करता है सीटी फोर लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट कर देता है, इसलिए क्या कोई रिसेप्टर ही नहीं बचेगा तो इम्यूनिटी भी शो नहीं होगी। नेक्स्ट within the CD4 cell far below 200 per mm cube the titer of virus increase markedly and there irreversible breakdown of immune defense mechanism, it is defined as dead, yani jab kya ki jo CD4 cell hoti hai human body ke andar 200 mm per cube ki kya down aa jati hai to HIV virus ka jo titer hota hai level hota hai wo kya badh jata hai aur human body ke andar immune defense ka kya ho jata hai irreversible breakdown ho jata hai, इम्यून सिस्टम जो है वो जल्दी से जल्दी कमजोर होना शुरू हो जाता है, इट इज डिफाइंड एज डेड, इसी को क्या बोलते हैं अपन एड बोलते हैं इसी कंडीशन को, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, एंड एड्स क्या है कि अंतिम स्टेज है किसकी एचआईवी वायरस के इंफेक्शन, शुरू से देखिए कि एचआईवी किसको इन्फेक्ट करता है, कैसे चार्ज को इन्फेक्ट करता है जिनकी सरफेस क्या हो सीटी फोर एंटीजन हो, वो क्या इस वायरस के लिए रिसेप्टर है और ये क्या इंफेक्ट सीटी फोर लिम्फोसाइट को सबसे पहले इंफेक्ट करता है, और जब क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर सीटी फोर सेल 200 mm पर क्यूब से नीचे चली जाती है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है कि इम्यून डिफेंस का इरिवर्सिबल ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी जल्दी से जल्दी टूटने शुरू हो जाता है, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं बन सकता इम्यून डिफेंस, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं एड्स बोलते हैं। डिजीज कौन सी कोज करता है एचआईवी वायरस, नेक्स्ट देखिए कि एचआईवी कोज एड्स डिजीज कोज करता है या फिर टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर को क्या है इफेक्ट डालता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद एचआईवी डिजीज टाइप्स ऑफ इंफेक्शन अदर देन एचआईवी, यानी क्या है कि मोस्टली जो एचआईवी पेशेंट होते हैं यानी एचआईवी वायरस से इफेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो एचआईवी डिजीज से नहीं मरते, उसके साथ में होने वाले अपॉर्चुनिटिक जो इंफेक्शन है उनसे क्या है मरते हैं, क्योंकि एचआईवी क्या कर देता है कि इम्यून डिफेंस को कमजोर कर देता है तो प्रॉपर इम्यूनिटी स्टिमुलेट नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी, इसीलिए क्या है कि अगर जो अपॉर्चुनिस्टिक या फिर मैलिग्नेंटिक जो इंफेक्शन होते हैं उसकी वजह से क्या है डिजीज हो जाती है पेशेंट की, द कॉमनली एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन एंड मैलिग्नेंट एसोसिएटेड एचआईवी, यानी एचआईवी के साथ कौन से इन्फेक्शन होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया, टीबी का, या फिर टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो गया, गोनेरिया होगी, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उनकी वजह से क्या है डेथ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा लैब डायग्नोसिस ऑफ एच आई वी, यानी एच आई वी वायरस की लैब डायग्नोसिस के ऊपर होगा कि उसको डायग्नोज किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वो ठीक है।